चित्रमन सिंह के समय सितंबर 2018 में वो सच्चाई थी, जो पिछले डेढ़ साल में सबसे, मैंने कहा नम्रता से स्वीकार करता हूँ, विश्व की समस्या है बेरोजगारी, 26 लाख ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, 27 लाख महिलाएं जो है समृद्ध हुई है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। भाजपा की तरह हमने पाखंड नहीं किया, हम पाखंड नहीं करते, हमने षड्यंत्र नहीं रचे। अरे आपको जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए नम्रता से। छत्तीसगढ़ के नेता पूरे चुनाव अभियान में गायब थे, ये षड्यंत्र रचते रहे ईडी आईटी के माध्यम से। वो कमल छाप के बड़े प्रचारक तो वही थे, 3 साल से डेरा था। तुम अब देखिए तेलगी का घोटाला, अगर पकड़ा ईडी तो ईडी को गाली दीजिए। अरे देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आपने इकबाल पर, भाजपा नेता पर, आपने कोई एजेंसी को नहीं छोड़ा, पकड़ा वो भाजपा का कार्यकर्ता। एक चीज का, अच्छा सुरेन जी एक चीज का छोटा सा जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अर्धसैनिक बल के ऊपर अभी भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया कि भाजपा का पैसा ट्रांसफर कर रही है, जो CISF है या BSF है या CRPF, जो लोग शहीद हो रहे हैं उस खाकी वर्दी पर आपने आरोप लगाया, क्या जनता ने इसे लिया? क्या संदेश गया जनता के पास कि कांग्रेस पार्टी बटाला पुलवामा, कांग्रेस पार्टी पुलवामा के ऊपर और आज तो इतनी निष्ठा हो गई, पैरामिलिट्री के ऊपर आरोप लगाने लगे, ईडी के ऊपर आरोप लगाने लगे। अरे जो आप के ना, मुझे भी अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, मेरा गला बड़ा बैठ गया है। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर बहुत सीधा सवाल है और मिथुन जी से पूछना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। सर ये आरोप लगाए मिथुन जी बीजेपी ने कांग्रेस पर कि देखिए इनके यहाँ तो खुद ही सिर्फ उटपल है। ठीक है, आपके पास जवाब था कि लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कन्हैया ने एक ट्वीट किया है आपसे थोड़ी देर पहले कि जो हार हुई वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वजह से हुई। आपको सवाल, लेकिन नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जीत गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जीते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जीत चुके हैं। लाखन सिंह पटेल इनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन लाखन सिंह पटेल की एक बार फिर से हार हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी लाखन सिंह पटेल खड़े हुए थे प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल के सामने, लेकिन जालम सिंह पटेल की टिकट काटी गई, प्रहलाद पटेल को टिकट दी गई और प्रहलाद पटेल की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। जी मिथुन जी, इस ट्वीट पर क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार के ट्वीट की बात कर रही हैं, उनका ऐसा कोई ट्वीट इनके ट्विटर टाइमलाइन पे अब डिलीट कर दिया तो अलग बात है, लेकिन मैंने खुद देखा है। अब मैंने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, लेकिन मैं आपका मेरा फोन मेरे पास है, मैंने दिखाती हूँ, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है, आपके अकाउंट में नहीं है, लेकिन ये कहा गया।